और अनुप जा रहे हैं, इन चारों में आपके लहू में छुपाता हूँ, सब दूतों का बाड़ा लगाता हूँ, सुरक्षित पहुँच कर एक बड़ी गवाही बनने पाए उस देश के लिए कि हाँ ये इंडिया से आए हैं। एक वर्शिप पास्टर हैं, वर्शिप पास्टर की वाइफ हैं, दोनों बच्चे हैं और इनके पेरेंट्स ने जो सिखा के भेजा है, ये तमाम आत्माएं बचाने के लिए वहां जा रहे हैं, आपकी योजना के तहत जा रहे हैं प्रभु, जो कि जो हमारे चित्त में नहीं समाता वो आपने करके दिखाया है। तो जो योजना आपने अपने लिए रखी है प्रभु, आप पूरी इनसे लें, पूरी महिमा इनसे लें और सिर्फ महिमा आपको मिलने का, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर पास्टर डैनियल के लिए, जिन्होंने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे लिए प्रार्थना करने आए, पास्टर अरुण विजय सिंह साहब के लिए, भाई रजनीश हेंडरसन परिवार के लिए, मिसेस मार्था मसीह जो इतनी दूर से यात्रा कर आई, प्रार्थना करते हैं पास्टर सुमित प्रेम का क्रिस्टीना के लिए, हम प्रार्थना करते हैं भाई अदनान जो हमारे बीच में है, वो अपने उस प्रेम को उन्होंने दिखाया यहाँ आकर, हम धन्यवाद करते हैं। सिस्टर मधु के लिए जो हमारे बीच में आई छुट्टी लेकर, प्रभु उन सबको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पास्टर सुमित, पास्टर राजू जिनके कंधों पर प्रभु हाउस ऑफ गॉड का जो बोझ दिया गया प्रभु, ये बाखूबी अच्छी तरीके से उसे निभाने पाए, हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से इस छोटी विनती को आपके चरणों में लाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सब बोले आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार का सब हम माफ करते हैं हमारे किसी को माफ कर, हमें अपराध से बचा दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदामंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा इस प्रभु परिवार के साथ जो कनाडा जा रहे बाकी लोगों के साथ, कुल ईमानदार धर्मी लोगों के साथ, यीशु मसीह के आगमन तक सदा सदा होती रहे। आमीन। आप हमेशा के सफर को मुबारक करो मिशे, हर एक चीज़ हमेशा आप सहायता करें मिशे, जितने भी जनिया बैठे हैं मिशे, आज हम सब मिशे धन्यवादों के बलिदान एक थैंक्स गिविंग मिशे आपको देने वाले हैं, वादा करते हो मिशे हर एक मिनिस्ट्रीज को आपके हाथों में देते हैं, आप हमेशा हमें बढ़ाइए मिशे हमारे कामों को, आप हमेशा हमारे कामों के द्वारा हमारे हमेशा न्याय करें पिता, वादा करना चाहते हैं फिर से मिशे, जितने भी जन यहाँ बैठे हैं मिशे हम सबको बताई सी आशा दीजिए, मानते यीशु मसीह नाम सुनो पिता। हे महाशक्ति दिना सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस दिन का परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, और परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर आपने परमेश्वर इन दोनों को और इनके पूरे परिवार को तैयार किया, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, जब परमेश्वर यहाँ से परमेश्वर कैनेडा की तरफ जाते हैं परमेश्वर इनको अपने स्वर्गदूतों के परमेश्वर आर्मी रख परमेश्वर, किसी भी रीति से कोई दुष्ट की शक्ति पर प्रबल न होने वाली हो सके परमेश्वर, इनके सफर को मुबारक कर, और परमेश्वर जब ये वहाँ जाएँ परमेश्वर तो वहाँ के लोगों का परमेश्वर इनको देख के जीवन बदलने वाला हो सके परमेश्वर, इनके पवित्र जीवन को देख के परमेश्वर वो अपने बच्चों को परमेश्वर आपकी शिक्षाएं देने वाले हो सके परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो आपकी योजना परमेश्वर इनके जीवन में पूरी हुई है, आपका तहे दिल से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, और हम सब एक मन हो के परमेश्वर इनके लिए परमेश्वर इनके पूरे परिवार के लिए आपकी आशीष मांग लेते हैं यीशु मसीह, इस विनती को आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के पवित्र पाक नाम में हम लोग सब स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ। कुद्दूस 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 जमीन आसमान के खालिक और मालिक, तमाम रहमत और बरकतों के बख्शने वाले खुदावंद खुदा, हम एक बार फिर से आपका नेहत ये हृदय से धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह, और व्यवस्थापन 28 उसकी 5 में लिखा, मैं तेरे बाहर जाते समय और भीतर आते समय तेरे साथ रहूँगा, तेरी मदद करूँगा। हम प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 1:1 जिसकी 7 में लिखा हुआ है, ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, और कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, अब से लेकर सदा तेरे साथ रहूंगा और तुझे तेरे संग रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपने वादा किया है,
तेरे आने और जाने में तेरे संग रहूंगा और कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तेरा और ये लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरा रक्षक न सोता है न ऊँगता है। प्रभु यीशु मसीह आप 24/7 हमारे पे अपनी निगाहें रखते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और लिखा है जितने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हमें तो सहायता यीशु मसीह से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जब ये यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं, कार हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, और प्रभु जिस प्रकार से कनाडा पहुँचते हैं, तो वो हर एक गाड़ी को बराबर आपके लहू पर लगाता हूँ, कैलिफोर्निया को बराबर आपके लहू पर लगाता हूँ, स्वर्गदूत के बाड़ा लगा देता हूँ चारों तरफ। प्रभु आप स्वर्गदूत इनकी निगरानी करें और आप इनको अपने हाथों में लेकर जाएं और सुरक्षित पहुँचाने पाए, एक अच्छा घर अच्छी जगह मुहैया कराएं। प्रभु आप अपने विश्वासी को मांगने से पहले मुहैया करा देते हैं, आपने कहा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। और प्रभु प्रार्थना हमारा एक ऐसा वेपन है जो मांगते हैं वो मिलता है, ढूंढते तो पाते, खटखटाते तो हमारे लिए खोला जाता है। प्रार्थना करते हैं आज की इस्लाम। अब्राहम है, उसकी पत्नी है सारा, उसका भतीजा है लूत, और परमेश्वर यहोवा उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि तुम अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को और अपनी धन संपत्ति लेके छोड़कर यहाँ से चले जाओ। हारान से कहाँ जाना था उन्हें? कनान जाना था। उसे किसी प्रकार का कोई हिल उज्जत नहीं करी, सवाल जवाब नहीं करा, दोनों सुन लें आप, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के तहत प्रयास आपके थे कि ये प्रभु ने सफलता दी, उसका नाम धन्य है। तो आज मैं ये देखता हूँ कि भाई एरिक ने जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर अपना इकट्ठा किया धन संपत्ति के रूप में, वो सब किस तरीके से उन्होंने चेंज किया, क्योंकि कनाडा में जो है एक दूसरी करेंसी चलती है, और यहाँ का सब कुछ डिस्पोज ऑफ करके अपना बाइबल के अनुसार धन संपत्ति को इकट्ठा करके, अपने परिवार को इकट्ठा करके, इत्तेफाक से भतीजा कोई है नहीं, लेकिन अगर होता तो शायद लूत के समान वो भी साथ जाता। एनीवे आपका बेटा आपके साथ है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, दोनों को बधाई देता हूँ कि आप लोग फलो फूलो और आनंदित रहो, उस कनान देश में बच जाओ। आज आपको मैं बता दूँ, हिंदुस्तान की 21% क्रिश्चियंस जो हैं यूरोपियन कंट्रीज में जा चुके हैं, 21% यहाँ आंकड़े बताते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में बड़ा कठिन जीवन है, लेकिन मसीह लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ ज्योति बन के रहते हैं, नमक बन के रहते हैं, और बहुत अच्छे प्रकार से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इंडिया में रहें या कनाडा में रहें। एनीवे आपको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ और आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी, एक बार फिर आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर समय इस अवसर के लिए, दिन के इस पहर के लिए प्रभु जी। और हम ये जानते हैं आप आदि अंत हैं, अल्फा ओमेगा हैं, मसीह हैं, अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। आप हम सब के गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे मर्तबों में से जी उठे और पिता के दाहिने हाथ बैठे, जहाँ से आप जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए एक दिन अवश्य आएंगे। जब तक आपका ना हो तब तक प्रभु यीशु मसीह मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी आत्मा देह प्राण को निर्दोष और निष्कलंक रखें और बड़ी पवित्रता के साथ उस धार्मिकता को पूर्ण करें जो आपने हमारे लिए छोड़ी है, प्रभु रख छोड़ी है। प्रत्येक बात में आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु, हमारे मांगने से बेहतर आप जानते हैं हम सबको किस चीज की आवश्यकता है, ये पवित्र शास्त्र के माध्यम से वेद में प्रकट हो चुका है प्रभु। लेकिन बड़े हिम्मत और साहस करके आपके सम्मुख आता हूँ, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ, और इन बात के साथ कि जो कुछ मैं मांग रहा हूँ वो आपने हमें दे दिया, मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके सम्मुख। मैंने अपने तन के रूप में यीशु मसीह नासरी जेनिफर को दे दिया, अपने मन के रूप में मैंने अपने नाती और नातिन को दे दिया, ये मेरे मन हैं प्रभु। धन के रूप में मैंने एरिक को सौंप दिया, आपके मजबे के सामने है, अब आप इनको हिम्मत दें, साहस दें, धैर्य दें प्रभु। और मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ हम सब के निमित्त हमारे स्वर्गदूतों को आज्ञा दें, हमारे चरोर को खेमादन हो जाए प्रभु, क्योंकि सदैव आपने अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से कार्य किया है। आप जिब्राइल और मिकाइल को भेजें प्रभु, शुभ संदेश लेकर आए, इनकी सहायता करने के लिए आए प्रभु जी,
ये अपने को अकेला महसूस न करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इन बच्चों के लिए इनको लंबी आयु दें। विदेश में प्रभु यीशु मसीह नासरी की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति आपके हाथ में है प्रभु। यू आर द प्रोवाइडर, एकमात्र जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आप आपके सामने हम गिड़गिड़ाते हैं और निवेदन करते हैं प्रभु। इनके बाद भी मैं निरंतर प्रार्थना में लगा रहूंगा। इन बच्चों के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आप अपने स्वर्ग भंडार से करें। आप अपने स्वर्गदूतों के एक बार फिर से आज्ञा दे दें प्रभु यीशु मसीह नासरी, इनके चारों ओर खेमदन हो जाए और हर व्यक्ति को, हर उस कर्मचारी को, हर उस अधिकारी को इनके प्रति नाम करना प्रभु, जिससे इनकी यात्रा सफल हो सके। दुष्ट के प्रत्येक दुष्ट आत्मा को और इनके विरोध में चलने वाले हर आंधी तूफान को, हर उस दुष्ट आत्मा को जिनके विरोध में खड़ी हो, सबको यीशु के नाम में इस पृथ्वी पर मैं बांध देता हूं। तमाम उन आशीषों को अपने और इनके लिए मैं इस पृथ्वी पर खोल लेता, अपने हाथों को खिलाता, मुंह को खोलते प्रभु। आप अपनी मुट्ठी खोल कर इसको भर दे प्रभु, तृप्त कर दे बच्चों को, तृप्त कर, जिसे हम जब भी मिले प्रभु आप में आनंदित होकर मिले और बड़े सफलता के साथ। एक बार फिर मैं अपनी बेटी जेनिफर को आशीष देता हूँ, दिल से आशीष देता हूँ। अपने दामाद एरी को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। अपने नाती जिसको मैं जोशा कहता हूँ, नाम तो उसका नोक है, उसको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। जैकलीन को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये फले फूलें और इसे पृथ्वी में भरते चले जाएं और आपके नाम को रोशन करने वाले हो। सारी महिमा और गौरव परमेश्वर प्रभु यीशु को देते हुए ये प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम में पिता से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। दादी प्रेयर, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु इस करने के लिए प्रभु, जिस तरह तेरे नाम से प्रभु हम जितने भी आएंगे हैं प्रभु, क्या अनुग्रह है आपको कैसे होने पाए प्रभु, तेरा रहम कर दिया है प्रभु, आप खुद बस कह रहे प्रभु तेरे नाम से हम सब छिट्टे हुए प्रभु, तेरे नाम को धुआं हमारे होने पाए प्रभु। खास दुआ करते हैं नीलू के लिए प्रभु, उन्हें अपने अच्छे बेटे दिए प्रभु, उनके द्वारा मिनिस्ट्री खोल फैले पाई प्रभु, कोने कोने फैले पाई प्रभु, उनका शुभ संदेश कौन कौन जाता है प्रभु, सब जगह संतोषता हो रही है प्रभु, ऐसे बढ़ते फलते चल रहे हैं प्रभु। खास दुआ करते हैं यीशु नासरी के ऊपर से लेकर नीचे तक उनको ब्लेसिंग रखा प्रभु। दुआ करते हैं छोटे बच्चों तक के तरीके उनको हजूरी में रहकर प्रभु। खास दुआ करते हैं हर एक जैनी के लिए प्रभु, जब यहाँ से अपना यहाँ पर अपने सारे काम किया प्रभु, कार्य करा प्रभु, मसीह का प्रभु कौन कौन फैला उन्होंने पाया प्रभु, इंडिया के अंदर प्रभु ऐसे इनका शुभ संदेश प्रभु बाहर फैलने पाए प्रभु, जब नाम को लेकर जाने पाए प्रभु, उनके साथ रहना प्रभु, अपना सहायक उनके उनके साथ चलना प्रभु, चारों की सहायता मदद करना प्रभु, हिम्मत शक्ति बुद्धि देना प्रभु, आप हैं तेरे दास दासी हैं प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु जन अपने मम्मी पापा से जो भी अपने सीखा है प्रभु, और तेरे नाम के लिए दुआ करते प्रभु, उनको घर तेरे हाथ में देते प्रभु, तो सही यही मेरी दुआ ही प्रार्थना है प्रभु, कि सबको सहायता हिम्मत शक्ति देना प्रभु, हम लोग को भी हिम्मत पूर्ति शक्ति देना प्रभु, ताकि हम लोग यहाँ पे रह सकें, मतलब ना बोलते हो सके, उनका सही सलामत खुशी खुशी चुना है प्रभु, जाना वहाँ से वहाँ पहुँचना चाहे प्रभु, तो शिक्षा मांगे तो सभी कुछ दिया प्रभु, आमीन आमीन। अपने जीवन को प्रभु, अपने फ्यूचर को प्रभु आपके हाथ में रखा प्रभु, और आपने इनको मार्गदर्शन दिखाया प्रभु, और जगह बदलने के लिए पिता परमेश्वर आपने अगुवाई करी प्रभु, सारी चीजों को बंदोबस्त किया पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी जाए पिता परमेश्वर, सिर्फ आपके नाम की महिमा जीवनों से हो सके, और बच्चों के जीवन को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु जी, इनके फ्यूचर को आपके हाथों में देते प्रभु जी, सिर्फ महिमा प्रभु आपको मिलने पाए प्रभु, सिर्फ आपका उद्देश्य प्रभु जी इस परिवार के प्रभु जी जीवन में पूरा हो सके, बच्चों की लाइफ
पूरा हो सके प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जिनके साथ जो आपने भलाइयाँ करी प्रभु जी, जो वचन ये यहाँ से सीख के जाते प्रभु जी, अपने माता पिता से प्रभु और आपसे परमेश्वर वो सदा प्रभु अपने मन में रखे प्रभु, और आपसे विनती करते प्रभु जी लगातार प्रभु उसमें बढ़ते जाए प्रभु, ताकि आपकी मर्जी आपका उद्देश्य प्रभु जी इनके जीवन में पूरा हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मैं मन यहाँ पे पिता परमेश्वर उनको फसल अनुग्रह देना प्रभु जी, ताकि ये भी प्रभु जी यहाँ रहते हुए आपके उद्देश्य में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, फसल देना अनुग्रह प्रदान करना प्रभु जी, जबकि एक दूसरे से प्रभु जी थोड़े दिनों के लिए प्रभु जी थोड़ी देर सालों के लिए प्रभु जी जुदा होते प्रभु जी, एक एक फसल और अनुग्रह से भरना पिता परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह प्रभु इस परिवार के सदस्य के साथ रहे प्रभु जी, आने और जाने में मदद करना प्रभु जी, इनके विरुद्ध उठने वाली हर एक दुष्शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध करके दूर कर देते हैं, इस परिवार के एक एक सदस्य के जीवन से दूर करते हैं, और एक एक को यीशु के लहू से मैं कवर कर देती हूँ प्रभु, और जिन जिन से भी ये मिलते हैं प्रभु जी, सब पर फेवर मिलने के लिए प्रभु यीशु मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह इनको देना प्रभु जी, फजा देना प्रभु जी, उनको अपनी बुद्धि से भरना प्रभु जी, मैं सब आदर और सब महिमा प्रभु यीशु का आप ही को देती हूँ, मैं हर एक बातों के लिए हर एक इंतजाम के लिए पिता आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और इस विनती को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपने जीवन में जोड़ा परमेश्वर जैनी के परमेश्वर और बच्चों के जीवन में जोड़ा परमेश्वर इतने परमेश्वर पिछले समय से परमेश्वर जब परमेश्वर ये पूरी मेहनत से परमेश्वर और आपकी प्रार्थनाओं में होकर परमेश्वर इस काम को कर रहे थे प्रभु, आपने परमेश्वर आज इनको जीवंत किया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावंत परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदावंत परमेश्वर इनके सफर को मुबारक करना खुदावंत परमेश्वर, परमेश्वर होने दीजिए खुदावंत परमेश्वर, जब परमेश्वर यहाँ से जाते हैं महापरमेश्वर किसी भी भली वस्तु की परमेश्वर इनको वहाँ घटी होने वाली ना हो खुदावंत परमेश्वर, हर चीज परमेश्वर जो इनके लिए अच्छी है परमेश्वर वो इनको परमेश्वर अपने आप परमेश्वर मिलती चली जाए खुदावंत परमेश्वर, किसी भी तरह से कोई परमेश्वर दिक्कत परेशानी परमेश्वर ना हो महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को लगाइए ताकि परमेश्वर और इंसानी रूप में परमेश्वर इनके लिए मदद के लिए तैयार हों खुदावंत परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर एक परमेश्वर नए देश में खुदावंत परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत परमेश्वर इंसानों के रूप में इनके सामने आए इनके पास आए परमेश्वर और इनकी हेल्प करने वाले हो सके खुदावंत परमेश्वर, जब तक कि परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर सेटल ना हो जाए महान परमेश्वर इनकी अगुवाई इनकी मदद और सहायता कीजिए खुदावंत परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदावंत परमेश्वर इनके आने जाने में मदद सहायता कीजिए खुदावंत परमेश्वर, खासतौर से खुदावंत परमेश्वर जब परमेश्वर ये परमेश्वर फ्लाइट में जाते हैं खुदावंत परमेश्वर चलाने के लिए खुदावंत परमेश्वर जो भी पायलट है परमेश्वर उनको भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर उस यान को कवर कीजिए महान परमेश्वर, कोई भी दिक्कत परेशानी आने वाले ना हो महान परमेश्वर, जब ये वहां उतरे मसीह हम आपके नाम को धन्यवाद करें आपके नाम की गवाही हो खुदावंत परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ जिस जगह रहते हैं परमेश्वर उस जगह को भी अपने आपके लहू में कवर करती हूँ, कोई भी दुष्ट की शक्ति खुदावंत परमेश्वर इन पर हावी होने वाले ना हो खुदावंत परमेश्वर, बहुत से लोग खुदावंत परमेश्वर मिलेंगे जो गलत भी होंगे महान परमेश्वर, इनको बुद्धि और समझ से परिपूर्ण की करें परमेश्वर की वो उनको पहचान सके खुदावंत परमेश्वर, ताकि किसी भी गलत चीज में परमेश्वर जिंदगी में आगे परमेश्वर ये जुड़ने वाले ना हो महान परमेश्वर, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हो खुदावंत परमेश्वर, दोनों बच्चों को अपने डील डॉग में बढ़ाएं खुदावंत परमेश्वर, माता पिता के परमेश्वर आज्ञाकारी बनाकर दोनों बच्चों को रखें खुदावंत परमेश्वर, खास तौर से खुदावंत परमेश्वर जो वचन का ज्ञान इन्होंने परमेश्वर यहाँ रहकर परमेश्वर सीखा और बांटा परमेश्वर, वो वहाँ पर भी खुदावंत परमेश्वर बांटने वाले हो सके और अपने बच्चों को भी इस वचन के ज्ञान में बढ़ाने वाले हो सके खुदावंत परमेश्वर, उन्हें दे खुदावंत परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं परमेश्वर जब यहाँ से अब निकलते हैं महान परमेश्वर, उन्हें दे परमेश्वर हर इंसान की आप मदद और सहायता करें खुदावंत परमेश्वर, हर एक की रहनुमाई करें हर एक की परमेश्वर रक्षा करें खुदावंत परमेश्वर, इस परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पीछे यहाँ रहता है खुदावंत परमेश्वर, उसमें परमेश्वर जो जगह खाली होती है महान परमेश्वर वो आपके स्वर्गदूत उन जगहों को भरे खुदावंत परमेश्वर, और ये दूरी खुदावंत परमेश्वर पल भर की हो सके खुदावंत परमेश्वर, जल्द से जल्द परमेश्वर परिवार द्वारा मिलने वाला हो सके, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में महान समय के मिशन धन्यवाद करना चाहते हैं सुंदर सुबह समय के लिए मिशन धन्यवाद करते खुदा आपने हमें जीवित की जमीन पर जिंदा रखा है, धन्यवाद करते भविष्य जो भी भविष्य आपने ये योजना बनाई भविष्य हमारी बुद्धि से नहीं भविष्य लेकिन आपकी आत्मा से सब चीजें पूरी साथ साथ चलता तेरे कदमों को मजबूती करता चट्टान तेरा मार्ग है बनता बन के चट्टान तेरा मार्ग है बनता यीशु तेरी ताकत है 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 यीशु तेरी ताकत है।